नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि अगर लोगों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी दिशा निर्देश का सख्ती से पालन नहीं किया तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि लोग गंभीरता से गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम पर विचार करने की जरूरत है। कोरोना के हालात को देखते हुए वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 टास्क फोर्स के साथ एक बैठक में उद्धव ठाकरे ने उन्हें लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के लिए तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं तो लॉकडाउन जैसी प्रतिबंधक पर फिर से लग सकते हैं। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस संक्रमण की साप्ताहिक संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत 5.04% से अधिक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संक्रमण दर 22.78% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के अलावा जिन अन्य 7 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत अधिक संक्रमण दर है वे है चंडीगढ़, पंजाब, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जांच के मामले में 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत अब तक की गई कोविड-19 जांच की कुल संख्या बढ़कर 24 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि कुल संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है।